हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। औरंगाबाद में रात 8 बजने के बाद संचार बंदी के लिए हर चेक पॉइंट पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया जा रहा है। रात में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हरसुल इलाके में भी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा है। वहीं हरसुल के टी पॉइंट पर शहर में बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना टेस्ट की जा रही है। आज सुबह से एंटीजन और RT-PCR टेस्ट 250 से ज़्यादा हुई, जिसमें 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सर, यहाँ पे 3 शिफ्ट में वर्क हो रहा है। जो कोविड की टेस्ट है यहाँ पे दिन भर में 24 घंटे में 3 शिफ्ट में चालू है। सवेरे 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, 2 से रात के 10 बजे तक और 10 से सवेरे 8 बजे तक। सर, आज ये कितने लोगों की चेकिंग हुई है और कितने इसमें पॉजिटिव है? आज सवेरे 8 बजे से अब तक 9 बजे तक बोले तो 250 लोगों की टेस्ट हुई है, RT-PCR और एंटीजन दोनों मिला के। उसमें से 17 लोग पॉजिटिव है। सर, कौन से गाड़ियों की रुकाकर चेकिंग की जाती है? ये आउट ऑफ औरंगाबाद की बोले तो बाहर से जो गाड़ी आती है उसकी चेकिंग करी जाती है। कितने शिफ्ट में काम होता है अपने पास? 3 शिफ्ट में। अनिल दुबले, मैं टास्क फोर्स में हूँ यहाँ पे। ये बाजू में डॉक्टर है हमारी, डॉक्टर माधुरी काले, और ये हमारे बीच टास्क फोर्स के लोग हैं।